हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नॉलेज गुरु चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रिपल सी क्या है, ये क्यों करना ज़रूरी है, इसे कैसे करें, इसे करने के लिए क्या ड्यूरेशन टाइम होना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब बात आती है ये ट्रिपल सी है क्या, इसको कैसे किया जाए, क्या इसका प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दूँ, ट्रिपल सी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने खुद ने ट्रिपल सी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे इन बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप भी इजीली से इसको कर सकेंगे। क्या आप ट्रिपल सी की फुल फॉर्म जानते हैं? ट्रिपल सी की फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जी हाँ, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी एक सरकारी संस्था द्वारा चलाया गया है जिसे डोएक या नाइलिट भी बोल सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे यार ये डोएक क्या होता है, यार ये नाइलिट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, डोएक का ही नाम अब चेंज होके नाइलिट रख दिया गया है, या आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि डोएक का ना प्रमोशन हो चुका है। नाइलिट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रौद्योगिकी संस्थान। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ट्रिपल सी करने से फ़ायदे क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रिपल सी करने से हमें मिल जाती है बेसिक नॉलेज, जैसे कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है, और भी कंप्यूटर की बहुत सारी बेसिक नॉलेज हैं जो सिर्फ आपको ट्रिपल सी करने से ही मिल सकती हैं। ट्रिपल सी क्यों है ज़रूरी? तो मैं आपको बता दूं, कंपटीशन के इस दौर में ट्रिपल सी की डिमांड हो रही है बहुत ज़्यादा। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर कोई मांग रहा है ट्रिपल सी का डिप्लोमा। तो अगर आपके पास ट्रिपल सी का डिप्लोमा होगा तो आप अपनी जॉब को ईजिली से पा सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में। तो ट्रिपल सी के सिलेबस में जो सबसे पहले आता है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट है, इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है GUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपको इस चार्ट में समझा दिया गया है कि इसका क्या यूज़ होता है। अब बात करते हैं MS Office की। MS Office में आता है MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook। अगर हम अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। इंटरनेट के अंदर ये बताते हैं कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं, क्या क्या सर्च इंजन है। अब अगर हम आगे चलें तो इसमें आपको बताते हैं कि ईमेल आईडी क्या है, इसका कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये तो थी ट्रिपल सी के सिलेबस की दुनिया। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ न्यू बताते हैं। अब अगर हम ट्रिपल सी के शेड्यूल की बात करें तो ये 3 मंथ का कोर्स होता है जिसे दो तरीके से किया जा सकता है। या तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपका अपना सेंटर कहाँ डालना चाह रहे हैं, किस मंथ आपको एग्ज़ाम देना है। इसकी जो फ़ीस होती है एग्ज़ाम फ़ीस, वो 590 रुपीज़ होती है। अगर आप किसी सेंटर से करते हैं नाइलिट द्वारा जो प्रमाणित हो उस सेंटर से करते हैं तो 590 रुपीज़ आपकी फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी, प्लस 2000 या 3000 रुपीज़ सेंटर 3000 रुपीज़ सेंटर की फ़ीस होगी। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप सेंटर से ही ट्रिपल सी करें। बात करते हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आते हैं और 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं, जिसमें 50 नंबर पर पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें नंबर जो है ग्रेड वाइज दिए जाते हैं। हम बात करते हैं अब ग्रेड की। अगर आपके 50 से 54 है तो आपको मिलेगा डी, 55 से 64 है सी, 65 से 74 है बी, 75 से 84 है ए, और 85 से अगर ऊपर है तो आपको मिलेगा एस ग्रेड।
आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको मुझसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।